जयपुर की धरती वीरता और सौंदर्य के साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक रंगों से परिपूर्ण है और शायद यही कारण है कि यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। इन्हीं आयोजनों की श्रृंखला की एक कड़ी है PLF अर्थात पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल, जो समानांतर साहित्य उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आयोजित इस साहित्यिक उत्सव का यह तीसरा वर्ष है। 21 फरवरी 2020 से प्रारंभ होकर 23 फरवरी 2020 तक चले इस उत्सव को जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आयोजित किया गया है, जिसे धरती धोरारी नाम दिया गया। इस उत्सव में शिल्प ग्राम में इस साहित्यिक उत्सव के लिए 5 मंच बनाए गए, जिन्हें कन्हैयालाल सेठिया मंच, खगेंद्र ठाकुर मंच, खयाम मंच, किताब गुवाड़ी मंच और नवोन्मेष मंच नाम दिए गए। प्रदेश के साहित्यकारों की भूमिका से सजे इस उत्सव में 100 से ज्यादा सत्रों में 300 से ज्यादा लेखकों की भागीदारी रही। यह उत्सव महान राजस्थानी साहित्यकार श्री कन्हैयालाल सेठिया को समर्पित रहा। इस साहित्य उत्सव के विभिन्न मंचों पर संचालित कार्यक्रमों की कुछ झलकियां जीवन आयाम ने और जीवन लक्ष्य फाउंडेशन ने संजोई है आपके लिए। मुझे तो ये बहुत रोचक लगा ये देखना कि जब वो उसकी उपेक्षिता लिखती है, मतलब वो अनुवाद ही कर रही है, और उसकी जो भूमिका है उसमें जो सिमोन के बारे में वो बात कर रही है, और उसको लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली कि एक सहेली जिसने आत्महत्या कर ली और उन्होंने कहा कि अगर उसने ये पढ़ी होती, उसकी माँ ने सिमोन को पढ़ा होगा तो शायद वो आत्महत्या ना करती। यानी दर्शन के जो सवाल हैं वो हमारी आम जिंदगी के सवाल भी हैं। तो इस तरह प्रभा किसान भी सकती है, या बड़े बड़े लेखकों ने किस माइंडसेट में ये कहानी लिखी होगी, आप एक उसका थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो मैं एक कविता संग्रह पढ़ रही हूँ गगन गिल मैम का, मैं जब तक आई बाहर, और इसके अलावा मुझे रेणु पढ़ना बहुत पसंद है। निर्मल वर्मा का लगभग समग्र साहित्य मैं पढ़ चुकी हूँ, कुछ एक किताबें बची होगी। अज्ञेय को मैंने लगभग पढ़ लिया है, एक दो किताबें शायद उनकी बची होगी, दो तीन। उनकी डायरी पढ़ना भी बाकी है और वो मैं पढ़ने वाली हूँ। अज्ञेय मुझे बहुत पसंद है, उनकी भाषा भी बहुत अच्छी है और उनका कथ्य का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कहानियाँ हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जैसे रेणु की तीसरी कसम मुझे बहुत पसंद है, धर्मवीर भारती की गुल की बनू मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसने कहा था को तो खैर जिक्री क्या करें, वो तो अल्टीमेट क्लासिक कहानी है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, और आजकल तो इतना ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है कि आपको कहीं इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल पर डालो और आपको आपका फेवरेट राइटर का काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाता है। तो बहुत पढ़ रही हूँ, कम लिख रही हूँ फिलहाल। वो तो जरूरी है। दोस्ती कभी है महंगी, कभी है सस्ती, चाय सी मीठी है दोस्ती, कभी है महंगी, कभी है सस्ती, इस कदर है मिली तेरी मेरी दोस्ती, जैसे चीनी और चाय पत्ती, चाय सी मीठी है दोस्ती, कभी है महंगी, कभी है सस्ती, इश्क है तुझसे तू हाथों में है जब से, वो इश्क है तुझसे तू हाथों में है जब से, होठों पे तू लगी रंग गलत हुए सभी आखरी, फिर कभी कितनी भी ये दिल बस तेरा दिल।
दीवाना रे दीवाना रे। आधी रात को उठ के लिखा हुआ ये गाना है गाना है। Come on, sing with me. Sha pa pa ra pa pa ra pa ra sha pa pa ra pa pa ra pa ra pa ra pa ra तुझे सोच कर ही लिखता हूँ तुझ पर ही मरता हूँ। हाँ तुझे सोच कर ही लिखता हूँ तुझ पर ही मरता हूँ। इसलिए गम भी तू खुशी भी तू जो भी है बस तू ही तू। अभी उम्मीद बाकी है झुकेगा नफरतों का सर अभी उम्मीद बाकी है भरोसा उल्फतों पे कर अभी उम्मीद बाकी है। झुकेगा नफरतों का सर अभी उम्मीद बाकी है भरोसा उल्फतों पे कर अभी उम्मीद बाकी है। और एक शेर देखें आप, मेरे ख्याल से कुछ शेर लिखने के लिए गजल होती है, उस शेर में कहता हूं कि दिवाली की सजावट को घरों पे ईद तक रखा, दिवाली की सजावट को घरों पे ईद तक रखा, किसी मासूम की जिद पर अभी उम्मीद बाकी है। लड़कों के साथ अपने आप को जोड़ता है, कभी बुल्ला अपने आप को सरनद के साथ जोड़ता है, कभी बुल्ला अपने आप को तेग बहादुर के साथ जोड़ता है। गुरु तेग बहादुर गाजी है मैं खून दियो मेरे भाई दा। आवाज नहीं आई भाई। मना लेगा अभी आकर अभी उम्मीद बाकी है हथेली से मोहब्बत के दिए की आड़ करता हूँ, हथेली से मोहब्बत के दिए की आड़ करता हूँ, रुकेंगी आंधियां थककर अभी उम्मीद बाकी है। एक और देखिए कि कुछ भाषाओं को लेकर कुछ कठोर निर्णय हो जाते हैं और कवि कहीं ना कहीं किसी तरह से अपनी बात ऐसी स्थितियों में कहता है। तो उर्दू को लेकर कुछ निर्णय हुए, उस पर मैंने अपनी बात एक शेर के माध्यम से कही। आप सुनिएगा कि मोहब्बत के शजर को काटने में हाथ कांपेंगे,
मोहब्बत के शजर को काटने में हाथ कांपेंगे, गजल के फूल हैं इस पर अभी उम्मीद बाकी है। मोहब्बत के शजर को काटने में हाथ कांपेंगे, गजल के फूल हैं इस पर अभी उम्मीद बाकी है। और फिर मेरा शेर आता है जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ से, के तुम्हारे खेत में सरसों शगुन के गीत गाएगी, तुम्हारे खेत में सरसों शगुन के गीत गाएगी, घटाओं से हमें हलधर अभी उम्मीद बाकी है, घटाओं से हमें हलधर अभी उम्मीद बाकी है। बहुत अपनी सोच शायद उसको विराम दे देंगे, या आपके जो विचार हैं वो कहीं बह जाते हैं उस तरफ जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताबें बुजुर्ग है और बुजुर्गों की दिखाई दिशा में बहना बहुत लाजमी है। होता है मैम, ऐसा अक्सर होता है। एक मौका हम विजय को दे दो पहले, बस लेट आने की पेनल्टी भर चुके हूँ। मुझे लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होना नहीं चाहिए, और यदि आप प्रभावित हो रहे हैं तो फिर कई बार आरोप भी लग जाते हैं युवाओं पर कि ये इनका जो इनकी जो रचनाएं हैं या इनका जो लेखन है उनसे प्रभावित है। कई बार साहित्यिक चोरी के भी आरोप लग जाते हैं, कई बार वो चीज़ें अवचेतन में चली जाती है। हमने किसी को पढ़ा, किसी का शेर सुना या किसी की कविता को सुना, उसके बाद में वो हमारे अंदर बाद में घुलती मिलती रहती है हमारे अंदर, फिर कई दिनों बाद में हमें लगता है जब हम उसको लिख देते हैं कि ये हमारी ही है, फिर बाद में जब वो आलोचकों के पास पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये तो उनका है। हालांकि कई बार खुद लिखने वाले को भी पता नहीं रहता है, और कई बार पता रहता भी है पर वो उसके हाँ मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो एक सुर्खियों में आने का कंट्रोवर्सी, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो चल रही है, सोशल मीडिया से बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी बढ़ भी गई है। तो मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए और किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपना जो रास्ता है वो खुद बनाना चाहिए अपना, जिससे पढ़ के पता चल जाए कि ये माधव राठौड़ की कहानी है, ये श्रुति गौतम की कहानी है, ये हेमंत परिहार की कविता है। तो एक इस तरह का अपना जो है वो विकसित करना चाहिए। और जितने भी जो बड़े राइटर हैं उनका हम मुक्तिबोध को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है, हम उनके अलग से भी कविता पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये मुक्तिबोध की है, ये त्रिलोचन की है, ये गीत चतुर्वेदी की है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना एक अलग अपना जो शिल्प है वो विकसित करे, और अपना अच्छे तरीके से वो धीरे धीरे अभ्यास से होता है। तो कोशिश करें कि हमें बचना चाहिए इस चीज से और अपना खुद का शिल्प विकसित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने मुझे। श्रुति, अब आप बताएं, आप प्रभावित हो जाती हैं? प्रभावित तो मैम नेचुरल है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप कोई बुक, आप फिल्म देखते हैं तो एक फिल्म का कोई सीन आता है और आप उसके साथ रोने लगते हो, तो आप प्रभावित हो रहे हो, ह्यूमन नेचर है, आप बिल्कुल उससे रिलेट करोगे, आप प्रभावित होगे। तो किताबों के मामले में भी ऐसा है कि आप कोई उपन्यास पढ़ते हो तो कोई उपन्यास ऐसा होता है जो आपको बहा ले जाता है, आप काफी दिनों तक उसके किरदार आपके माइंड में घूमते हैं, तो भाव से प्रभावित हुआ जा सकता है। लेकिन उसकी भाषा, उसके शिल्प को एज इट इज कॉपी करना तो निश्चित रूप से वो साहित्यिक चोरी है। तो आप उस भाव को रखिए, अपने अवचेतन में भी रखिए, उस भाव से प्रभावित होकर आप जो स्वयं लिखोगे, आपकी शैली में लिखोगे, वो बेहतर ही निकल कर आएगा, तो वो चोरी नहीं होगी, क्योंकि इमोशंस तो सबके लिए सेम है, सबकी लव स्टोरी सेम है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बस वो आपके लिए अलग है, वो आपके लिए विशेष है। तो भावनाओं से प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको उसके उसके सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी करना मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत चीज है। इसमें दो बातें हैं मैम, जैसे हम किसी अपने प्रिय लेखक को पढ़ते हैं लंबे समय तक तो हमारे ऊपर उसका एक प्रभाव रहता है, हमारे साहित्य में इसे छाँ कहते हैं, इसकी छाँ है, निर्मल वर्मा की छाँ है, अज्ञेय की है, ज्ञान रंजन की है, उदय प्रकाश की है, तो वो उसके लेखन में आपको देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे आप लिखना शुरू करते हो, जैसे विजय ने कहा कि आप अपनी शैली बना देते हो, तो फिर आप उस चीज़ों से भरते हो। तो जब मैंने जब नया नया लिखना शुरू किया तो मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था तो मधुर भंडारकर की कोई मूवी थी, उसका उसके ऊपर उसका पोस्टर था, उसके ऊपर कुछ शेयर लिखा हुआ था,
उसके नीचे लिखा हुआ था हबीब कैफी। तो मैंने सर्च किया हबीब कैफी कौन है, मुझे पता चला कि हमारे जोधपुर के ही है और वो मधुर भंडारकर की कोई मूवी का पोस्टर था उसके नीचे उनका शहर था। तो फिर उनको सर्च किया, उसके बाद उनकी मैंने कहानियां पढ़ी, तब मुझे लगा कि राजस्थान की जो कहानी का जो है और उसके जो शिल्प है और किस तरीके से चीजें आती है, तो उसके बाद मैंने भी उसको कोशिश की कि मैं भी क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस समय वो मेरे सामने बैठे हैं हबीब कैफी, तो उनका अगर प्रभाव मेरे ऊपर आता है तो इसमें न तो कोई चोरी है न इसमें कोई बचने वाली बात है, क्योंकि आप अपने जो क्रोधा है उनकी चीजें आपके जीवन में आई, तो ये मैं समझता हूँ जिसने कहा नेचुरल सी। माधव जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अच्छा मेरी बात बताऊँ तो मैंने जब फिलोसोफर्स स्टोन लिखना शुरू किया था उससे पहले मैंने पाउलो कोएलो का अल्केमिस्ट पढ़ा था, तो अल्केमिस्ट का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया था कि मेरे लिए थोड़ा ये नेगेटिव हो गया कि मेरा फिलोसोफर्स स्टोन में थोड़ा उसकी आइडियोलॉजी आ गई, लेकिन वो पूरा अलग है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन नुकसान हुआ जरूर है। तो हमें किसी एक किताब या किसी एक किताब को पढ़ने के बाद नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा समय उसमें देना चाहिए कि जैसे मैंने पाउलो कोएलो को पढ़ा उसके बाद एक दो किताबें पढ़ना, थोड़ा गैप देना चाहिए फिर लिखना चाहिए, वरना वो सब कॉन्शियस माइंड से वो चीज ज्यादा प्रकट हो जाती है। तो प्रभाव तो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो रहता है, इसका बचने का उपाय यही है कि अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ना चाहिए। मुझे एक बॉलीवुड अभिनेता है रणवीर सिंह, उनकी एक बात याद आ रही है, जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था तो उनके इंटरव्यू में उन्होंने पूछा, किसी से उन्होंने बताया कि मैं उस रोल में इतना घुस गया था कि कुछ महीनों तक तो मैं खुद को खिलजी ही समझने लग गया था। तो ऐसा होता है जब हम किसी अपने प्रिय लेखक या कवि को पढ़ते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसका असर हमारे ऊपर रहता है, लेकिन ये जरूरी है कि उसको जल्दी से जल्दी आप उससे बाहर आके जो आप खुद हैं स्वयं हैं उसमें आप रहें। तो ये ऐसा नेचुरल सी एक प्रोसेस है जो सभी के साथ होती है, ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि मेरे साथ नहीं हुई तो वो झूठ है, वो सभी के साथ होती है और होती रहेगी जब तक आप अपने प्रिय लेखक को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इंस्पिरेशन होते हैं। उन्हीं से जैसे मैंने छोटे से गुलजार साहब को बहुत पढ़ा, तो आज तक उनका मेरे ऊपर वो असर है और वो शायद जाते जाते ही जाएगा, और उसमें बुराई नहीं है, वो उनका एक असर है, उनकी कल्पनाओं से मुझे जो मिला है वो मैंने सीखा और उससे अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो उतना असर रहना चाहिए। आप बाइक अपने पास ही रखिए क्योंकि ये जो असर है ये अब आपकी कविताओं में हम देखेंगे कैसे झलकता है। जी तो मैं वही कविता सुनाता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसको प्रगतिशील लेखक संघ ने चुना था, वो पिता पर लिखी हुई मेरी कविता थी, पिता एक अनंत सफर। उसमें पहला ऐसा एक बात मैं बता दूं आपको जो बताना चाह रहा था कि मेरा ऐसा मानना है कि लेखन कविता कहानियां सब बिखरे पड़े होते हैं, हर जगह बिखरे पड़े मिलेंगे आपको, शहरों में गांव में इंकलाब करते चौराहों पे सब जगह मिलेंगे, जरूरी होता है सही सही टुकड़ा सही सही जगह पर लगे, और उस टुकड़े को ढूंढने में भी बहुत सी बार समय लगता है। मेरी ये जो कविता थी इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है, वो किस्सा है मैं 2 मिनट का है बता दूं आपको। वो कविता ऐसी थी कि वो 7 महीने में लिखी गई और उससे मैंने सिर्फ इतना सीखा कि समय और सही सही जोड़ कब मिलता है वो उस कविता के सफर में है। आप देखिएगा मैं दिल्ली गया था तो वहां पर किसी से ये कविता का पहला अंग शुरू हुआ था और कुछ ही लाइनें लिखी गई थी, और वो जब खत्म हुआ तब मेरे पिताजी ने सुबह उठ के कहा था कि अरे ये प्रगतिशील लेखक संघ और दैनिक भास्कर की तरफ से एक प्रतियोगिता है, आप भी लिखिए, आप भी लिखते हैं तो भेजिए। तो वो सफर और वो सफर 7 महीने में पूरा हुआ था और वो एक रात में लिखी गई थी, तो मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ। कविता थी पिता एक अनंत सफर। मेरे कांधे पर रखी है तुम्हारी कई रातों की नींद, मेरे कांधे पर रखी है तुम्हारी कई रातों की नींद और ख्वाहिशों के कई बस्ते, झुककर जो मैंने थामी थी कभी उंगलियां तुम्हारी, उस प्रेम की गठरी भी है रखी मेरी कमर पर, कभी उठाकर हवा में मैंने तुम्हारे ख्वाबों को जो विस्तार दिया, मैंने तुम्हारे ख्वाबों को जो उड़ान दी,
उसका विस्तार भी है मेरे कांधे पर। सब तो मुझी पर रहा, तुम्हारी जमी भी, तुम्हारा आसमान भी। इसलिए उन्हें संभालते हुए अब जरा सा झुक गया हूं मैं। नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बस उम्र के एक लंबे रास्ते से होकर आया हूं। सांस ले रहा हूं झुककर, हांफ रहा हूं हवा में अपनी दबी ख्वाहिश से। नहीं, मेरी आवाज लड़खड़ाती नहीं है, तुम्हें शब्द शब्द बोलना सिखाते, तुम्हें हर अर्थ समझाते, जरा सी घिस गई है जुबान। ढेर सी लोरियों और तुम्हारे मुझे पिता कहने के एहसास के बीच कहीं दब सी गई है मेरी आवाज बस। नहीं, मैं अंधा भी नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैंने अपने वर्तमान में इन आंखों को मजबूर किया तुम्हारे भविष्य तक देखने के, क्योंकि मैंने अपने वर्तमान में इन आंखों को मजबूर किया तुम्हारे भविष्य तक देखने को, और हर रात तुम्हें चैन से सोता हुआ देखने के लिए मैंने इन्हें जगाए रखा। इसलिए जरा सी बस थक गई है, दूर का कम देख पाती है। नहीं, ये सब मैं तुम्हें नहीं कह रहा, ये मेरा सफर कह रहा है, जिसकी मंजिल तुमने चुन तो ली ये वृद्धाश्रम का गेट, जिसकी मंजिल तुमने चुन तो ली ये वृद्धाश्रम का गेट, जहां खड़े हैं तुम और मैं आज, पर तुम भूल रहे हो पिता, एक अनंत सफर है जिसकी मंजिल तुम तय नहीं कर सकते, जिसकी मंजिल तुम तय नहीं कर सकते। तुम जब मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं देख रहा हूं तुम्हारी उंगली थामे एक बचपन तुम्हारे साथ जा रहा है। तुम जब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं देख रहा हूं तुम्हारी उंगली थामे एक बचपन तुम्हारे साथ जा रहा है। मैं देख रहा हूं खुद को फिर से जवान होते तुम्हारे भीतर, मैं देख रहा हूं शुरू होते फिर से एक पिता का सफर। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आप कहानी नहीं कह पाएंगे तो आप धन्यवाद देना। समय कम बचा है तो मैं कहानी पढ़ूंगा या बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं अंत में चार पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं कि प्रगतिशील लेखक संघ और पीएलएफ ने हमें जो ये सम्मान दिया है कि इतने बड़े साहित्यकारों के बीच में हम अलहड़ लेखकों को यहाँ पर बिठाया है और हमारा इंटरव्यू करवाया, उसके लिए दिल से मैं बालकवि बैरागी की चार पंक्तियों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, जो न दे हमें उजाला वे भला किस काम के। है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, जो न दे हमें उजाला वे भला किस काम के। जो रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वो श्रेष्ठ है तुच्छ है तो क्या हुआ, सूर्य से वो श्रेष्ठ है तुच्छ है तो क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक डायरी का छोटा सा अंश पढ़ लेता हूं। इन दिनों अमृता और इमरोज के खतों से भीग रखा हूं, अपने रेगिस्तानी गांव में बने झोंपड़े के बाहर खाट डाल उस पत्र को बार बार पढ़ रहा हूं, जो उसने डेन्यूब नदी के किनारे झिलमिलाती रात में हंगरी शहर के बुडो पोस्ट में लिखा था, जिसमें वो हंगरी में अच्छी चाय नहीं मिलने की शिकायत कर रही है। इधर मैं बकरी के दूध की बनी खालिश चाय पीते हुए अमृता को जला रहा हूँ। दूसरा खत वो बीपीटी, जिसका रोमानिया में अर्थ होता है हर मनुष्य की लाइब्रेरी, से लिखती हुई कहती है कि हर रोमानियन पहली तारीख को तनख्वाह लेकर सबसे पहले किताबों की दुकान पर जाता है। कितने दीवाने लोग होंगे वो। अगला खत उसने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से एक सम्मान समारोह के बारे में लिखा है, जिसमें लेखक हाइनरिक बाउल ने अवार्ड लेते हुए कहता है कि मुझे इंसानी जज्बात की पैरवी करने के लिए इनाम दिया जा रहा है, मगर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर वियतनाम पर बम गिराए जा रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता। इधर अमृता फ्रैंकफर्ट में गेटे और स्टुगार्ट में सीलर का प्राचीन घर देख सोच रही है, इस देश में इतने फिलोसोफर दिए, साथ में हिटलर भी। इधर मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को देखकर मेरी अमृता को मिस कर रहा हूँ। समय की सीमा है और मैं कहानी काफी लंबी है तो कहानी तो नहीं कह पाऊंगी, एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ कि जब धीरे धीरे साहित्य के किसी भी उत्सव में साहित्यिक परिचर्चाओं में विमर्श की तलाश में आने वाले साहित्य प्रेमियों के लिए यह उत्सव एक पुरस्कार की तरह है। साहित्य